गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मूंग का सालन। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है ये। आई होप आप सबको जरूर पसंद आएगी। सो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरीके से बनाया। तो पहले आपने क्या करना है, आपने एक कढ़ाई ले ली, उसमें हद पे ज़रूरत आपने जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और उसे गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, उन्हें कट कर लेना है और उनको जो है वो ऑयल में ऐड कर देना है। प्याज को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसे तब तक के लिए मिक्स करना है जब तक कि हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तब तक के लिए हम प्याज को मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि प्याज का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अगर प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन हो गया तो हमारा जो खाना है उसमें टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो इस वजह से प्याज का जो रंग है वो आपने बिल्कुल लाइट गोल्डन रखना है। प्याज हमारे ऑलमोस्ट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। ये 1 टीस्पून हम ले लेंगे कुटी लाल मिर्च, और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च ले लेंगे हम। 1 स्पून हमने ज़ीरा ले लेना है, 1 टीस्पून हमने कलवंजी ले लेनी है, 1 टीस्पून राई दाना ले लेना है हमने। उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने जो है धनिया पाउडर ले लेना है, नमक हद पे ज़रूरत आपने लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप इसमें ऐड करने के बाद, और इसे जो है वो अच्छे तरीके से इनके साथ पकाएं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके जो मसाले हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाएं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। अब मैंने क्या किया, 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर ले लिए, उन टमाटरों को कट करके जो है वो इस सालन के अंदर ऐड कर दिया और उन्हें अगेन अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया। टमाटर को ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मूलियाँ ऐड करेंगे। मैंने 7 मूलियाँ ले ली थी, ठीक है, उनको कद्दूकस कर लिया था अच्छे तरीके से। अब मैं उन मूलियों को इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इनको जो है वो मिक्स कर लूंगी। तो मूलियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसे बिल्कुल इक्वली अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। करूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड कर दूंगी और अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। करने के बाद आपने जो है इसे ढक के रख देना है 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, मूलियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से अपने ही पानी में गल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बन चुकी हैं। हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इसे हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने मूली और ग्रीन मिर्ची ऐड कर दी, तो अब मैं क्या करूँगी, ये बिल्कुल रेडी है और इसको डिश आउट कर लूँगी और आप इसे धनिया के साथ और ग्रीन मिर्चों के साथ सर्व करें। सो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।